संभावित बाढ़ से राहत और बचाव संबंधित तैयारी बैठक अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनेक्सी सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ सुरक्षा संबंधी समस्त कार्य समय से पूर्ण कर लें और सभी बंधों का सर्वे कर लिया जाए तथा बंधों तटबंधों के अनुरक्षण मरम्मत कार्य को प्रमुखता के आधार पर पूर्ण कर लें। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि संवेदनशील एवं अति संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण कर उसके मरम्मत कार्य को पूर्ण करते हुए बंधों पर रेट होल को ठीक करवाएं। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रवाहित होने वाली राप्ती, घाघरा, कुआनो, राहिन, आमी और गुर्रा नदियां हैं। जनपद में 66 बंधे, 86 बाढ़ चौकियां, 79 राहत केंद्र तथा 116 राहत शिविर बनाए गए हैं। इसके अलावा 200 आपदा मित्र तहसीलों में तैनात किए गए हैं जिनका प्रशिक्षण करा दिया गया है तथा उन्हें लाइफ जैकेट एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर कार्य करें। बैठक में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव, NDRF के PL शर्मा सहित SDM, GDA सचिव सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADM FR राजेश कुमार सिंह ने कहा, इसके अलावा जो प्रोजेक्ट के बारे में कहना चाहता हूँ हमारे इस जिले में करीब 14 प्रोजेक्ट हैं तीनों जिले में मिला के, सभी काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। 20 तारीख को पहले सभी पूरे हो जाएंगे। इसी से बहुत चैलेंज भी थी, जैसे जो नहीं पाते के साथ इससे बात करनी है। पूरी मेयर बाढ़ धान गोरखपुर से इसके पिछले वर्षों के अलावा कोई स्टाफ नहीं थे, ऐसे मतलब जो 20 ही हमारे पास आए 30 में अच्छे से रहे समितियों में, वो सब बना उससे बात नहीं हो पाती है। नहीं नहीं इसको पहले से ही हो जाए, इसको होगा भी नहीं आए के लेंथ की लंबाई जो है 17 किलोमीटर का लेंथ आता है फैसनी में मौसम की बात है और बांस में थोड़ा सा गठित हो गई है इसमें जी को रिश्ता में नेपाल और गांव में जुड़ी हुई है और इसलिए हम ऐसे प्रतिनिधि साहब से पूछे थे आज एनेक्सी भवन में पूरे जनपद के जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बाढ़ की तैयारियों के संबंध में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें जनपद के समस्त उप जिलाधिकारीगण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी महोदय की ओर से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के द्वारा लोगों को बाढ़ के पूर्व में क्या तैयारियां करनी है और यदि बाढ़ आती है तो फिर कौन सा विभाग कौन सा दायित्व निभाएगा, इस पर सेंसिटाइज किया गया, परिचर्चा की गई और यह निर्देशित किया गया कि सभी विभाग और सभी लोग तैयार रहें। यदि इस प्रकार की कोई आपदा आती है उसमें अपना पूरा योगदान करें, अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाएं।